हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको रीट 2018 के एग्जाम में, जो कि 11 फरवरी 2018 को हुआ है, इसके मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस बताऊंगा। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपका पहला क्वेश्चन है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसमें आंसर होगा, आनंद मठ में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था अंग्रेजी सरकार के विरोध में और उन राजाओं महाराजाओं के विरोध में जो किसी भी संप्रदाय के हों लेकिन अंग्रेजी सरकार को सहयोग करते थे। फिर उसमें उन्होंने बगावत की भूमिका लिखी। अब बगावत होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, ताकि इस अंग्रेजी सत्ता को हम पलट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आंसर होगा, हम भारत के लोग से तात्पर्य संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? तो इसमें आंसर होगा, भाग 4 में, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ? या माधव गोविंद रानाडे का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इसमें आंसर होगा, उनका जन्म पंडित परिवार में हुआ, या वो एक जन्म से एक ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनी रा चुंगट्या किसने लिखा? तो इसमें आंसर होगा, चेतावनी रा चुंगट्या केसरी सिंह बारहट ने लिखा। चेतावनी रा चुंगट्या राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर केसर सिंह भारत ने इसकी रचना की थी। इस कृति की रचना सोरठो में की गई है। सन 1903 में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली में इतिहास प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को सम्मिलित होने से रोकने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी भारत केसरी सिंह ने उन्हें संबोधित कर चेतावनी राज चुंगट्या के नाम से कुछ उद्बोधक सोरोठ लिखे। चेतावनी राज चुंगट्या के सोरोठों को पढ़कर महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए और उदयपुर लौट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो इसमें आंसर होगा, श्याम कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसमें आंसर होगा, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य 6 शताब्दी ईसा पूर्व में उदित 16 महाजनपदों में से एक था। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह महाजनपद राजतंत्रात्मक था। वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी बैठान या विराटनगर थी, जो वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता? यह तराइन का प्रथम युद्ध था जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीता गया। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। पहला पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और दूसरा मोहम्मद गौरी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो इसमें आंसर होगा कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो इसमें आंसर होगा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसाल्ट सेल किसका एक उदाहरण है? तो इसमें आंसर होगा बसाल्ट सेल एक बाह्य आग्नेय शैल का उदाहरण है, यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगेस्थनीज किसका राजदूत था? तो इसमें आंसर होगा मेगेस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और मेगेस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा के नौ रत्नों में से नहीं था? तो इसमें आंसर होगा निम्न में से फाहान इसके नौ रत्नों में नहीं था, बाकी धनवंतरी, शपुनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खटकरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि इसके नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के अतिथि का क्या नाम था? तो इसमें आंसर होगा महाराणा प्रताप का अतिथि था रामप्रसाद। रामप्रसाद नाम का यह अतिथि इतना ताकतवर था कि उसने अकबर के तीन अतिथियों को मार गिराया था, और हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ उसके अतिथि रामप्रसाद को भी पकड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद अकबर ने उसे बंदी बना लिया था। इसके लिए उसने सात हाथियों का चक्रव्यूह रचा था और जिस पर 14 मावतों को बैठाया था। बाद में अकबर ने इसका नाम बदल दिया था और इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था, और इसके बाद अकबर ने रामप्रसाद के खाने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की, लेकिन रामप्रसाद ने 18 दिनों तक खाना नहीं खाया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर होगा अनुच्छेद 25 संबंधित है ऑप्शन ए अंतकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से किस स्थिति में सामने आया? तो इसमें आंसर होगा राजस्थान राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें आंसर होगा शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. Bloom द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें आंसर होगा एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी या यांगताजी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, और इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो इसमें आंसर होगा किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। तंजानिया अफ्रीका की एक कंट्री है और किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इसमें आंसर होगा राज्य चुनाव आयुक्त को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर होगा आनंद मंदिर म्यांमार में स्थित है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं।
ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सकें।